वह गाना गाते हैं, वह सिल्वर स्क्रीन पर भी धमाल मचाते हैं। उन्हें भड़कीले कपड़े पहनने का शौक है, बाइक और कारों को लेकर उनमें जबरदस्त पैशन है। इन सारी खूबियों को खुद में समेटने वाले शख्सियत का नाम है बाबा राम रहीम, जो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख है। इन दिनों बाबा राम रहीम कानूनी पैचड़ों में फंसे हुए हैं। वजह यह है कि बाबा राम रहीम को उनके आश्रम की साध्वी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। अब इस मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। आइए जानते हैं अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बाबा राम रहीम के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। पहली बात, बाबा का दावा है कि उनके 5 करोड़ से भी ज़्यादा अनुयायी हैं, जो भारत और अन्य मुल्कों में रहते हैं। वे सभी इंसा सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। अपने गुरु की तरह ये समर्थक ब्लू लॉकेट पहनते हैं, जो अंक 1 की आकार में होता है। इसका मतलब है एक ही ईश्वर है और एक ही पहचान है। दूसरी बात, परिवार से मोह। उनके पास अनुयायी की बहुत बड़ी तादाद है और उनकी राजनीतिक में गहरी पैठ है। और यही बात है कि उत्तर भारत में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बहुत बड़ी नाम है। दिलचस्प बात यह है कि डेरा प्रमुख बनने के बाद भी उनका परिवार से मोह नहीं छूटा। बाद में उन्होंने अपने बेटे जसमीत सिंह को अपना वारिस बना दिया। बाबा की 2 बेटियां भी हैं। तीसरी बात, कारों को लेकर क्रेज। डेरा प्रमुख का बाइक और कारों को लेकर क्रेज जग जाहिर है। उनके पास बेहद महंगी बाइक्स और कारें हैं, जिसमें मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, लेक्सस और टोयोटा शामिल है। इन कारों को वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सारी कारों का रंग और प्लेट नंबर सुरक्षा के लिहाज से सिमिलर रखा गया है। डेरा प्रमुख को एसयूवी डिकोई में सफ़र करना पसंद है, जो कि बुलेट प्रूफ है और उसमें जैमर भी लगा हुआ है। इसके अलावा बाबा राम रहीम के 5 चार्टर प्लेन हैं और उसके लिए 1 हवाई पट्टी भी है। चौथी बात, सेफ और महिलावादी। डेरा प्रमुख की वेबसाइट के अनुसार बाबा राम रहीम बेहद प्रतिभाशाली हैं। वह उम्दा सेफ, टेक्नोलॉजी डेवलपर, महिलावादी और वैश्विक शांति प्रचारक हैं। वह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जो वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल और वाटरफॉल सहित 32 खेल खेलना जानते हैं। उन्हें जोखिम भरे खेल खेलना बहुत पसंद है। छठी बात, एक्टर के साथ म्यूजिक कंपोजर। उनके समर्थकों का कहना है कि बाबा राम रहीम के 6 म्यूजिक एल्बम ने बहुत धमाल मचाया है। दावा है कि इनकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा की कॉपियाँ बिक चुकी हैं। सातवीं बात, खुद डिजाइन करते हैं ड्रेस। बाबा राम रहीम अक्सर कुर्ता पैजामा में नजर आते हैं और उन्होंने खुद को गुरु ऑब्ली घोषित कर रखा है। बाबा की वेबसाइट के मुताबिक वो वही ड्रेस पहनते हैं जो उन्होंने खुद ही डिजाइन किया है। सातवीं बात, राजनीतिक में पैठ। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह डेरा गए थे। इसके बाद बाबा ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि बाबा राम रहीम दूसरे बाबाओं की तरह हैं? क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है या नहीं? यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।